वेलकम टू जी लाज। सर में जुए होने के कारण व्यक्ति को और भी कई रोग हो जाते हैं, इसलिए सिर के जुओं को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर के जुओं पर। तो दोस्तों, जो सर में जुए हो जाते हैं वो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जुएँ नहीं होते। तो आइए जानते हैं ये क्या वजह है, किस वजह से ये जुएँ होते हैं और किस तरह इससे हमें छुटकारा पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो से नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर कि अब हम एक मुहिम चलाने वाले हैं जिसमें गरीब बच्चों की दवा जो है बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। अगर किसी के यहाँ कोई गरीब लोग हैं और वो दवा नहीं खा पा रहे हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उनका कोरियर फ्री भिजवाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। जुएं और लीक दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं, मतलब जुएं के अंडे को ही लीक कहते हैं। मनुष्य के बालों में शरीर में पाए जाने वाले जुएं की लंबाई लगभग 1 से 1.5 तथा मोटाई लगभग 0.2 से 0.5 मिलीमीटर होती है। ये खून पीकर जिंदा रहते हैं। अगर ये लगभग 50 से 60 घंटे तक खून ना पिए तो मर जाएंगे। इनकी चलने की गति बहुत तेज़ होती है, इसलिए इन्हें जंगल नुमा बालों में पकड़ना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ इन्हें मारने के और इनके अंडे नष्ट करने की दवा। ना ही इनके अंडे रहेंगे और ना ही जुएं रहेंगे सर में। तो प्यारे दोस्तों, लीकें और जुएं यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का नुस्खा। उससे पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट यह करना चाहूँगा, अगर आपके सर में गंदगी है और गंदगी की वजह से जुएं रहते हैं, तो मेरा कहना होगा कि आप सबसे पहले अपने सर को ज़रूर धो के रखें। और अगर आप टाइम पर नहीं नहाते हैं, समय टू समय, हमारा सर्दियों में क्या रहता है दोस्तों, सर्दियों में लंबे टाइम तक कुछ लोग नहीं नहाते हैं, इस वजह से उनके जुएं हो जाते हैं। अगर इस वजह से आपके जुएं हैं तो आप नहाना स्टार्ट कर दें, चाहे गर्म पानी से क्यों ना नहाएं। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं इसे ख़त्म करने के लिए घरेलू नुस्खे। नंबर 1, सिरका। सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड की वजह से जुएं मर जाते हैं, साथ ही इससे छोटे छोटे अंडे भी डिसॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, इसका क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जो आप सिरका लेते हैं, चाहे वो आपका सिरका क्यों ना गन्ने का हो या क्यों ना जामुन का हो, तो प्यारे दोस्तों, जामुन का हो या गन्ने का हो, लेकिन सब में ही एसिटिक एसिड पाया जाता है, इससे जुएं बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी सिरका लेकर आप सर में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें जो हमारी लीक कहते हैं, वो आपकी जो लीक होती है वो अंडे ही होते हैं। सेम लीक बिल्कुल आपको अंडे का आकार भी जुएं के ही जैसा होता है उसका, तो उसे हम लीक कहते हैं। दोस्तों, वही बड़ा होकर जुआ बन जाता है, आपकी लीक जो है वो जुआ बन जाता है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप उस सिरके को इतना लगाएं कि वो जड़ों तक बैठ जाए। जब वो जड़ों तक बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जुएं हैं उससे हम छुटकारा पा लेंगे। और आपको ये दिन में 3 बार लगाना है, और जैसे ही आप इसे दोपहर में अगर लगाते हैं तो लगभग 10 मिनट धूप में ज़रूर बैठ जाएं। धूप में बैठकर इसकी एसिडिटी कुछ ज़्यादा वर्क करेगी और इसका एसिड कुछ ज़्यादा वर्क करेगा, साथ ही बहुत जल्द जुएं आपके मर जाएंगे। नंबर 2, नारियल के तेल से जुओं का छुटकारा। नारियल का तेल कपूर में मिलाकर लगाने से जुएं मर जाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे स्कल्प पर लगाएँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको नारियल का तेल लेना है, उसमें आपको कपूर जो आपको कहीं भी किराना स्टोर पे मिल जाता है, तो उस कपूर को आप ले लें। कपूर को उस नारियल के तेल में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको ये जो है, इसे मिक्स करने के बाद आपको लगाना है, आपका 10 मिनट के अंदर ये असर करने लगेगा। ये आपके लिए स्कल्प पर लगाना है, और इसे मतलब बहुत अच्छे से आपको लगाना है। कपूर आपको मिलाना है नारियल के तेल में, लगभग 50 ग्राम आप नारियल का तेल लेंगे, और 25 ग्राम से भी कम आपको कपूर डालना है उसमें, जिससे ये फिर उसे पूरी तरह मिक्स करके आपको लगा लेना है। और नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं, प्याज में अत्यधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है, प्याज का रस लगाने से जुएं पूरी तरह साफ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके इसमें से किसी नुस्खे से आपको लगता है कि नहीं होंगे, तो आप 100% मैं गारंटेड कहता हूँ दोस्तों, जो मैंने दूसरे लोगों को बताया है और उन्होंने मुझे इसकी प्रतिक्रिया दी है, तो 100% रिज़ल्ट इसका है। प्याज का रस आप ज़रूर मिला के लगा लें। प्याज के रस आपके घर में हर जगह मिल जाएगा, और इसे अच्छी तरह से बताती है कि प्याज का रस आपको निकालना कैसे है। आप चाहें तो प्याज को मिक्सर में पीस लें, काटने के बाद आप अगर उसे मिक्सर में पीसते हैं, वो बहुत
महीन महीन पिस जाएगा। उसके बाद आप किसी कपड़े में कर उसे और पूरी तरह से निचोड़ लें दोस्तों। उसका जो रस निकलेगा आप उसी रस को अपने बालों में लगा सकते हैं और इससे बहुत जल्द आपको फ़ायदा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्याज का रस निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको मिक्सर में पीसना है, अगर मिक्सर नहीं है तो सिल्पर पीस लें। सिल्पर पीसने के बाद आपको उसी प्याज को किसी कपड़े में करना है और ज़ोर से उसे अमेट कर निचोड़ देना है। उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़े रहें हमेशा के लिए और पाते रहें अच्छे से अच्छे नुस्खे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।